गाइस नमस्ते, कैसे हो दोस्तों? गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हो गुड वाइब्स का मैं एक और प्रोडक्ट लेके आ गई हूँ, पपाया ग्लो फेस वॉश, सॉरी फेस मास्क है, मैं क्या बोल रही हूँ गाइस। और इसका मैं आपको पहले प्राइस दिखा देती हूँ। और इसका देखिए प्राइस यहाँ पे है, MRP है 225, बट ये मुझे 225 का नहीं पड़ा है गाइस। मैं बार बार बोल रही हूँ, पर्पल पे डिस्काउंट चलते रहते हैं। मुझे लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको सेंड करूँगी गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। नेट वेट इसका है 50 ग्राम गाइस, और इसका जो प्राइस है वो 225 है। तो मतलब 225 रुपये का 50 ग्राम बहुत महंगा पड़ रहा था, बट ये मुझे कुछ 120 के आसपास में पड़ गया है गाइस। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, तो इसकी वजह से मुझे एक्चुअल प्राइस इसका याद नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया है नो पैराबिन, नो सल्फेट और क्रूएल्टी फ्री, नो मिनरल ऑयल। ये सारी चीज़ें हमारे स्किन को बहुत नुकसान देती हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे पीछे इंग्रेडिएंट्स इसके सारे मेंशन्स हैं, जितने भी इसमें डाले हुए हैं सब मेंशन है गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए इसमें क्या क्या डाला हुआ है जो हमारे स्किन को हार्म नहीं करेगा। देख लीजिए गाइज, ये देखिए आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें कि चंदन के पाउडर हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्किन को, मुल्तानी मिट्टी भी है इसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा नरिश करती है गाइस। और पपाया का है तो इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। देखिए ये देखिए, पिगमेंटेशन हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मास्क है। आपको मैं बोलूँगी आप जरूर, जिसको भी पिगमेंटेशन हुआ है वो ज़रूर ले ये मास्क, क्योंकि ये मास्क पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है। अगर देखो आप मास्क नहीं ले पाते तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप पपाया यूज करते हो, खाते हो, तो पपाया का थोड़ा सा उसका जो ये लेके पेस्ट बना के उसको अच्छे से हाथ से ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मैं ये बोलूँगी मास्क भी आप यूज करो, क्योंकि इसको क्या है कि आप रेडीमेड है और फटाफट आपने लगाया, और हफ्ते में आप इसको एक बार यूज करिए। ऐसा नहीं कि आपको डेली मास्क लगाना है, नहीं, इसको हफ्ते में एक बार लगाना है। और यहाँ पे लिखा भी है कि कैसे इसको यूज करना है, हाउ टू यूज बी केयरफुल। आप इसको थोड़ा सा अपने फेस के हिसाब से क्वांटिटी लीजिए, और इसको क्लीन फेस पे लगाना है हमेशा। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसको क्लीन करिए, फेस वॉश से क्लीन करिए, क्लींजर से क्लीन करिए। नहीं आपके पास वो भी नहीं अवेलेबल है तो आप बेसन से भी क्लीन कर सकते हैं। उससे क्लीन करने के बाद फेस को टैप टैप ड्राई करिए। टैप टैप मीन्स कि उसको रगड़ना नहीं है फेस को, पानी को एकदम नहीं ड्राई करना है, फिर उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। हाथ से ही आप अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ब्रश से अप्लाई करें। और 10 मिनट इसमें दिया है, बट मैंने इसको आधा घंटा रखा था, क्योंकि मैं इसका सारा जितना भी अच्छा इंग्रेडिएंट्स है वो मैं अपने फेस में एब्जॉर्ब कराना चाहती थी, तो मैंने इसको आधा घंटा रखा था। ऐसा कुछ भी नुकसान भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें 10 मिनट दिया है, मैंने ज़्यादा ही रखा था। और आपको फिर उसके बाद क्लीन करना है, पहले टैप वेट करेंगे, टैप टैप ऐसे पानी लेके हाथ में टैप टैप करेंगे, फिर उसके बाद इसको आप मसाज करके फेस को धीरे धीरे छुड़ा देंगे। और आपको ध्यान देना है कि अगर वो आँख वगैरह में जाता है तो आपको ध्यान देना है कि तुरंत आपको पानी से धो देना है, क्योंकि आँख वगैरह में चला गया तो थोड़ा सा आपको इरिटेशन हो सकता है। बाकी आप ध्यान से लगाएंगे तो ये आँख में भी जाने वाला नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी आप इसको बाई कर सकते हो, और गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, मैंने लिया तो मैं शेयर कर रही हूँ। और सबसे अच्छा चीज़ मुझे इनका लगा कि इनका पैकेजिंग बहुत अच्छा है गाइस, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है ज़रा भी डैमेज नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। तो आप उसको मंगाएंगे ऑनलाइन तो पैक रहता है पूरा ये, फिर मैंने इसको ओपन किया, मैंने यूज़ भी किया 2 बार, तो एक्चुअली मैं आपको खोल के इसको दिखा देती, बट मेरे एक हाथ से ये ओपन नहीं हो रहा है, सॉरी गाइस। मैं एक बार इसका टेक्चर आपको खोल के दिखा देती हूँ, बट ये ओपन ही नहीं हो रहा है गाइस। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी गाइस, मेरा दूसरा चैनल भी है, मैं उसका नाम अभी नहीं रिवील करना चाहती हूँ गाइस। देख सकते हैं ये ओपन किया मैंने, ये देख लीजिए इसी का है, ये ऐसा आता है और ये ऐसा कैप रहता है, तो आप इसको ऐसे
सॉरी गाइज, ये बहुत टाइट है, एक्चुअली बहुत ही टाइट है, एक हाथ से खुल नहीं रहा है। शिट। जस्ट वेट एंड वॉच। खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, खोलते ही बहुत अच्छा, ये देखिए। और ये बहुत बटरी सॉफ्ट है गाइज, बटर होता है लाइक आइसक्रीम। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है गाइज, मुझे बहुत पसंद आती है इसकी खुशबू। और दूसरी चीज़ है कि इसको आप थोड़ा सा लेंगे और स्प्रेड करेंगे, ईजली स्प्रेड होता है, इसमें कुछ मिक्स नहीं करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना सॉफ्ट है गाइज। तो आप इसको मंगा के यूज कर सकते हैं गाइज, और आप अपने स्किन को जैसे डेली रूटीन स्किन केयर रहता है, जैसे मैंने अभी कल एसेंशियल पिगमेंटेशन वाला डाला है वीडियो, तो वो भी बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद आप हफ्ते में एक बार इसको यूज कर सकते हैं गाइज, तो आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास मास्क ये वाला नहीं है तो आप पपाया भी यूज कर सकते हैं उसमें हनी मिक्स करके गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों को शेयर करते हैं, तो वीडियो बनाने का मन करता है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।